शांतिनगर क्षेत्र निवासी पीड़ित 17 वर्षीय किशोरी परिसर के ही घर में काम करती है। जहां काम करती है उसके पास ही मकान का निर्माण कार्य जारी है। वहां मिस्त्री राजू कोटरंगे काम करता है। शनिवार को उसने किशोरी के साथ घिनौनी हरकत करने का प्रयास किया था, लेकिन उस वक्त किशोरी राजू के चंगुल से भाग निकली। रविवार की शाम राजू ने फिर किशोरी को घेर लिया और मोटरसाइकिल पर जबरन बिठाकर दूसरे निर्माणाधीन मकान में ले जाकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। किशोरी ने प्रतिकार करने का प्रयास किया तो राजू ने घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी उसे दी। शाम को घर जाने के बाद किशोरी ने उसके साथ हुई घटना की जानकारी अपनी मां को दी। इसके बाद मामला थाने पहुंचा। उप निरीक्षक बकाल ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी राजू को गिरफ्तार किया। सोमवार को उसे अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। दिनांक 11/4/2021 रोजी यातील पीडित मुलगी ही घरकामासाठी गेलेली होती। त्यावेळी गुन्ह्यातील आरोपी याने पीडित मुलीला रस्त्यामध्ये अडवून तिला जीवानीशी ठार मारण्याची धमकी देऊन त्याच्या टू व्हीलरवर घेऊन कोराडी येथे गेला आणि त्या ठिकाणी तिच्यावर अत्याचार केलेला आहे। त्याच्यानंतर पुन्हा त्या आरोपीनं पीडित मुलीला आणून त्या शिकत्यांनी सोडलं। त्याच्यानंतर पीडित मुलगी घरी गेली, घरी सर्व प्रकार सांगितला आणि पोलीस स्टेशनला येऊन रिपोर्ट दिलेले आहे। त्यावरून पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक केलेली आहे। सध्या आरोपी पोलीस कस्टडीत आहे, तपास सुरू आहे, उसकी इन्क्वायरी चल रही है, अभी तक तो कुछ रिकॉर्ड नहीं है उसका। इस घटना में पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।